Ende sagt ihr, das sind meine Schulungen. Leute! मैं रजिस्ट्रार से भी मिली हूँ और फिर सब से मैं बात की पूरे ही तो इसका मतलब है कि हमारा नाम कॉलेज से मुस्तकिल काट दिया गया है। अगर क्यों? क्यों का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, मगर बहाना यह बनाया कि हम कॉलेज में लड़ाई झगड़े का बायस बनती है। हैरत है, कुत्तों को खुला छोड़ दिया है और इंसानों को बांध रहे हैं। नमूना, हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। हमारा क्या कसूर? हमारा ये कसूर है कि हमने कुछ किया नहीं। कॉलेज इंतजामिया ने ये भी नहीं सोचा कि उनकी इस वजह से हम पर, हमारे घर वालों पर क्या गुजरेगी, हम पर कितना बुरा असर होगा इसका। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। हमारे घर वालों ने क्या सोचा था? शुक्र है अम्मी अभी घर पर नहीं है। ये खबर सुनकर न जाने उन पर क्या गुजरती। अब तक तो अम्मी से बहाने बना रही थी मैं, लेकिन अब क्या कहूंगी। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बहाना बनाया उन्होंने, ये सब आरिफ के कहने पर हुआ है। जाहिर है ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। गॉड, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। हम लोग क्या कर सकते हैं? करने वाले तो कोई और है। हम तो सिर्फ हाथ बांधे सर झुकाए उनके फैसले सुन सकते हैं। प्रिंसिपल ने कहा है कि उनकी हमदर्दियां हमारे साथ हैं। काश ये हमदर्दियां हमारा मुस्तकबिल संवार सके, डिग्रियों का काम दे सके। अरे अरे, क्या सोच कर गई थी हम कॉलेज, क्या लेकर आए हैं। कल को हमारे साथ जो भी हुआ या हमने जो भी किया, उसका जिम्मेदार ये फैसला होगा। मैंने चुन ली, मुझे नहीं पता। मैं खुद ही करी, अम्मा कर ली थी।
पहलवान। अच्छा रोना तोना मुझे पसंद नहीं। आखिरी बार ये बताने आया हूं कि अकबर की लाश पे मातम करते हुए मुझे ये बद्दुआ न देना कि अकरम परवान ने हमारे बेटे को मारने से पहले बताया नहीं था। बस यही कहने आया था मैं। उसका कसूर क्या है? चुप हो जा। जवाब सुनने को मैं आदि नहीं हूं। मातम को खुशी में बदलना चाहते हो तो अपने पत्थर को लेके ये मादला जज के चले जाओ। अरे अकरम पहलवान, इतनी जल्दी कैसे छोड़कर चले जाए? ये मेरा मसला नहीं है। अब न तू इस मजे में रहेगा, न तेरा पुत्र अपने दोस्तों से मिलेगा, इससे कम कुछ नहीं, वरना कब्रिस्तान में कब्र और कफन के लिए दर्जी को ऑर्डर दे देना। इंशाल्लाह विनाशगाह में मुलाकात होगी। आंखों में आंसू क्यों? बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ है बोलना, क्या हुआ है भाई? वो अकरम पहलवान और उसके बंदे अभी अभी घर अम्मी को समीना के साथ बदतमीजी की और हमें मारा दिया। Thank you.
जैसा डरपोक कुत्ता होता है, बहादुर तो शरीफ होता है जो ताकत रखने के बावजूद भी पतला नहीं रहता, लेकिन जब बात गैरत की हो तो बदला न लेने वाला बेगैरत कहलाता है। गैरतों को मैं अपना दूध नहीं बख्शती अकबर। तेरी माँ मेरी माँ और तेरी बहन मेरी सही बहन, पर तुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं तुझसे माफी मांग लूंगा यार। तूने गलती नहीं की, तूने गुनाह किया है गुनाह, और इसकी माफी तो तुझे ऊपर से ही मिल सकती है, और उसके लिए तो तुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। मैं अकरम पहलवान हूँ। नहीं अकरम नहीं, मैं भी अकबर हूँ। अकबर भाई और बेटा होने के नाते मेरा यही फर्ज होता है। तू यहाँ से भाग जा, भाग जा यहाँ से, वरना उसके बंधन में। अब्बा जी, अब्बा जी, ये आप कैसे बताएं? मैं आप लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं भाई, ये लोग ठीक कह रहे हैं, आपको खुदा का होता चले जाए यहाँ से प्लीज। नहीं मम्मी, तू मेरी फिक्र ना कर। अकबर, अकबर वो बड़े जालिम लोग हैं, तू यहाँ से चला जा, ना जाने क्या हो जाए। समझने की कोशिश कर, मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। ये सब ठीक कह रहे हैं भाई, अब कहीं भी चले जाए लेकिन यहाँ से फौरन निकल जाए।
क्या हुआ? अकबर ने अकरम पहलवान को कत्ल कर दिया है। शुक्र करो कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, वरना अकरम के साथी तुम्हारे घर को आग लगाकर तुम्हें जिंदा जला देते। अकबर तो यकीनन भाग गया होगा, लेकिन बहुत जल्द थक जाए। अरे उनका बहुत पीछा किया, वो छठे ब्लॉक दूसरी गली से गायब हो गया। मुझे यकीन है जब घर वालों के दर्द को महसूस करेगा तो तुम हिलाता हुआ खुद ही आ जाएगा और कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ले चलो सबको, लेकिन मेरी बहन और माँ बाप को तो छोड़ दो। छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें ये तो पता चल जाए कि कातिल के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अबू, हमारा क्या कसूर है? इन्हें क्या हमें छोड़ दे, हम सबका क्या कसूर? ना बेटा, तुम मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है। मेरी मासूम बेटी को तो ना लेके जाए, इसे तो छोड़ दे। बदमाशों की बहनों की जिंदगियाँ थानों और कचहरियों के चक्कर काटते गुजर जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। भेजने ने चलो आगे। ज्यादा चालाक मत बनो भाई। हुआ क्या? अच्छा, अभी कुछ भी नहीं हुआ। कामरान ने अकबर के साथ मिलकर अकरम पहलवान को कत्ल कर दिया है। और तुम लोग मजे से दावत उड़ा रहे हो, कहाँ है कामरान? भाई ने कत्ल, तो झूठी भी नहीं मार सकता, ये झूठ है। ये फैसला करना तुम लोगों का काम नहीं। बेटे से कह माई गिरफ्तारी दे दे, कब तक छिपेगा? सर मेरे को भी Thank you.
सब चलो। हम मुसलसल घर की निगरानी करेंगे, पकड़ा तो जाएगा ही। दुआ करो माई, मारा ना जाए। चलो साहब, वो किधर मुंह उठाकर छलांगे लगाते हुए अंदर ही आ गए हो? वो केड़ी क्यामत आ गई है? वाह भाई वाह, कयामत तो आकर गुजर भी गई और तुम अभी तक थोड़े बेचकर लेटे हुए हो। वो केड़ी क्यामत आ गई है, यहाँ तो हर तरफ सुकून ही सुकून है। बड़े खुचल हो तुम भी, अपने बेटे को मुजरम बनाने में सबसे ज्यादा तुम्हारा हाथ है। जी माँ, मिथे जॉन, कौन सा खुचल बुना किया मैंने? अकरम पहलवान के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई और कातिल के बाप को खबर ही नहीं। वाह वाह, कौन कातिल कौन बाप? तुम और कौन? की कह रहे हैं और सही कह रहे हैं वहां। अकरम पहलवान को अकबर ने कत्ल कर दिया है। अब्दुल्ला और कामराम के साथ थे सर, पूरे घर की तलाशी ले रही है, अंदर कोई भी नहीं। और मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, और तुसी की कह रहे हो? सब समझ आ जाएगा अगर अब्दुल्ला पकड़ा ना गया तो हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। अगर वो यहां आया या तुम उससे मिले तो फिर तुम अंदर होगे। सुना, अब समझ आ गई ना सारी बात? चलो। Thank you.
बुलाया है? पूछगिछ करनी है इसलिए बुलाया है। सच कह रहा हूं आपको, अच्छा तो कत्ल की वजह ये है? वाह, शक्लो सुरू तो ऐसी है कि कई कत्ल हो सकते हैं इस पे। ये क्या कह रहे हैं आप? खामोश, इधर से। थानेदार साहब, आपने जो भी पूछना है मेरी मौजूदगी में पूछिए। और तुम नेकर बदी कर फिशते हो कि तुम्हारे सामने पूछे क्या हिसाब लिखा है? ओए, इधर से। मेरी बेटी का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, अब तुम ये भी कहोगी कि अगर उपनवास से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं? आप क्या कह रहे? जो तुम लोग छिपा रहे हो कत्ल की असल वजह तुम्हारी बेटी है। अकरम पलवान को ये पसंद करती थी, जबकि इसके मंगेतर अतर को ये वाह भाई वाह नापसंद था, इसलिए अकरम पलवान को भी घर बुलाया, लेकिन वो शादी के लिए नहीं माना। फिर तुम लोगों ने अकबर को अकरम के पास रिश्ते के लिए भेजा, जब उसने इनकार कर दिया तो अकबर ने अकरम को कत्ल कर दिया। तुम्हारी बुजुर्गी की वजह से तुम्हारा निराश कर रहा था, मुझे सख्ती से मजबूर न करो, सीधी तरह बता दो अकबर कहाँ है। सीधी तरह ही तो बताया है, मुझे नहीं पता कि अकबर कहाँ। तुम्हें तो पता होगा। मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता बेटा। हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ ना जानने वाले सब कुछ जान जाते हैं और ना मानने वाले सब कुछ मान जाते हैं। सलामत टीचर, इसे अपनी जबान में समझाओ और इसे वो जगह दिखाओ जहाँ इसकी याददाश्त वाह भाई वाह अपने आप तेज हो जाएगी। और मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हो? इसे कहाँ भेज दिया आपने? कहाँ जाने? साहब ने बुलाया है। अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों बुलाया? पूछगिछ करनी है इसलिए बुलाया है। धन्यवाद सर,
मैं सच कह रहा हूं आपको। अच्छा, तो कत्ल की वजह ये है। वाह, शक्लो सूरत तो ऐसी है कि कई कत्ल हो सकते हैं इस पे। ये क्या कह रहे हैं आप? खामोश, इधर से। खानदार साहब, आपने जो भी पूछना है मेरी मौजूदगी में पूछिए। और तुम नेकी और बदी का फरिश्ते हो कि तुम्हारे सामने पूछे क्या हिसाब लिखा है? ओए, इधर से। मेरी बेटी का इस वाकई से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, अब तुम ये भी कहोगी कि अकरम परवान से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं? जो तुम लोग छिपा रहे हो, कत्ल की असल वजह तुम्हारी बेटी है। अकरम परवान को ये पसंद करती थी, जबकि इसके मंगेतर अतर को ये नापसंद था। इसने अकरम परवान को भी घर बुलाया, लेकिन वो शादी के लिए नहीं माना। फिर तुम लोगों ने अकबर को अकरम के पास रिश्ते के लिए भेजा। जब उसने इनकार कर दिया तो अकबर ने अकरम को कत्ल कर दिया। ये झूठ है, मैं अकरम को जानती तक नहीं हूँ। क्या वो तुम्हारे घर नहीं आया था? बोलो, आया था या नहीं? आया था, मगर अगर मगर छोड़ो, ये सरासर झूठ है, बोहतान है। हमारे पास गवाह मौजूद है बीबी, देखने में कितनी मासूम लगती है और हरकतें, वाह भाई वाह। ये झूठ है बिल्कुल। ज्यादा ड्रामा मत करो, तुम्हारे जैसी नेक परियां बहुत देखी है मैंने। झूठ क्या और सच क्या है सब पता चल जाएगा। आप जो मर्जी कहें, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं। पहले तो चार रोज हर कोई इसी तरह इनकार करता है बीबी, इसी तरह रोता है। तुम्हारा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लूं, फिर तुम खुद लोगों को बताओगी तुम्हारा अकरम के साथ क्या तल्लक था। मम्मी, आप इन्हें बताइए ना, मैं किसी अकरम को नहीं जानती, बताइए। मम्मी को मैं बताऊंगा कि अकरम बेचारा ना करदा जुर्म की सजा में मारा गया, लेकिन छोड़ोगे मैं तुम्हें भी नहीं। तुम्हारी नस्लें याद रखेगी कि किसी शरीफ आदमी को मजबूर करना और कत्ल करना कितना महंगा होता है। ले जाएंगे। हेलो, आप जी कौन है? ओके, मैं होल्ड करता हूं। क्या प्रसाद नहीं है? ऑफिस में? लेकिन मैंने ऑफिस फोन किया था, उन्होंने कहा कि घर। हेलो, क्या हुआ? या साहब, ना घर है ना ऑफिस, अगर वो हमें मिल जाते तो जरूर हमारी मदद करते। यार कत्ल मैंने किया है, फिर मेरे घर वालों को परेशान क्यों किया जा रहा है? उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है? ये पुलिस वालों का पहला हथकंडा होता है कि वो घर वालों को गिरफ्तार करके दबाव डालते हैं। दोस्त जो केस की पैरवी कर सकते हैं उन पे दबाव डालते हैं, पर्चे काट देते हैं। इसीलिए उन्होंने कामराना मेरा नाम भी पर्चे में शामिल कर लिया, ताकि बाहर रहकर हम तुम्हारी मदद ना कर सकें। इंतहा है जुर्म और ज्यादती की, ये इंतहा है, इब्तिदा है। मेरा ख्याल है हमें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। इस तरह हम छुपते रहे तो अपने आप को और मुजरिम साबित कर देंगे,
और गिरफ्तारी की शक्ल में फौरन पुलिस मुकाबला बनाकर पारे कर देंगे, या तो चंद दिनों में झूठे चालान बनाकर आगे भिजवा देंगे, ये जानते हुए भी कि हम बेगुनाह हैं, कोई नहीं मानेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें बाहर रहकर ही कुछ करना होगा। अगर गिरफ्तार हो गए तो हम नहीं, सब कुछ वो करेंगे। बात थी जो तुम टेलीफोन पे नहीं कर सकते? वो सर जी, अकबर और अब्दुल्ला बहुत सर उठा रहे, वो सर जी इस तरह बड़ी बेइज्जती होगी, डिसिप्लिन खराब हो जाएगा और हर एक सर उठाएगा, सर जी सबका चाका खुल जाएगा। तो क्या मैं रजिस्ट्रार से मिली हूँ, फिर से मैंने बात की, नहीं मानी। तो इसका मतलब है कि हमारा नाम कॉलेज से मुस्तकिल काट दिया गया है, फिर क्यों? क्यों का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, मगर बहाना यह बनाया कि हम कॉलेज में लड़ाई झगड़े का बायस बनती है। हैरत है, कुत्तों को खुला छोड़ दिया है और इंसानों को बांध रहे हैं। नमूना, हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, हमारा क्या कसूर? हमारा ये कसूर है कि हमने कुछ किया नहीं। कॉलेज इंतजामिया ने ये भी नहीं सोचा कि उनकी इस वजह से हम पर, हमारे घर वालों पर क्या गुजरेगी, हम पर कितना बुरा असर होगा इसका। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। हमारे घर वालों ने क्या सोचा था? शुक्र है अम्मी अभी घर पर नहीं है, ये खबर सुनकर न जाने उन पर क्या गुजरती।
अब तक तो अम्मी से बहाने बना रही थी मैं, लेकिन अब क्या कहूंगी। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बहाना बनाया उन्होंने, ये सब आरिफ के कहने पर हुआ है। जाहिर है ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। गॉड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। हम लोग क्या कर सकते हैं, करने वाले तो कोई और है। हम तो सिर्फ हाथ बांधे सर झुकाए उनके फैसले सुन सकते हैं। प्रिंसिपल ने कहा है कि उनकी हमदर्दियां हमारे साथ हैं। काश ये हमदर्दियां। दर्द में डूबी